अब मैं बैठा हूँ टाटा के सबसे पॉपुलर मॉडल में, टाटा पंच, और ये सबसे पॉपुलर वेरिएंट भी है। ये बेस मॉडल के ऊपर वाला वेरिएंट है, एडवेंचर विद रिदम पैक। और मुझे ना इस कार में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डिजाइन फीचर देखा। ये आप जो देख रहे हो ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है। ये एक मैनुअल एसी है। अगर आप कोई दूसरे कार में देखते थे तो यहाँ पे आपको तीन नॉब दिखाई देता था जहाँ पे आप कूलिंग चेंज कर सकते हो और फैन स्पीड चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने इतना नीटली इसको बनाया है, अगर आपको कूलिंग इम्प्रूव करना है तो इसको घुमाना है, और अगर आप इस साइड पे घुमाओगे तो यहाँ पे गर्म हवा आएगा आपको। और यहाँ पे बहुत नीटली इन्होंने इंडिकेटर भी दिया है, फैन स्पीड भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो यूनिट देखते हो, आप देखते हो दूर से तो आपको लगता है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट है, और इसके टॉप मॉडल में भी ये सेम यूनिट आता है बट वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। कंपनी इसको ना थोड़ा सोचना चाहिए ऐसे चेंजेस करने के लिए, थोड़ा प्रीमियम फील भी आता है इससे। और दोस्तों पंच का पूरा रिव्यू वीडियो आएगा मेरे चैनल में, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कीजिए अभी तक आपने नहीं किया तो। सी यू देयर।